इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ डिड सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स गेट देयर नेम्स। जी हाँ, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ रोलेक्स, अमेजोन, नाइकी, इनको अपना नाम कहाँ से मिला? क्या आपने कभी सोचा है कि इनको अपना नाम कहाँ से मिला? ये नाम कहाँ से आया, इतना यूनिक नेम? क्योंकि हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो एक यूनिक नेम रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी कंपनी शुरू करता है तो एक नाम बहुत ज़रूरी है। उसी से उस कंपनी की पहचान होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूँ एप्पल, तो भाई नुकनी आप समझ जाओगे एप्पल कंपनी, आईफोन। ठीक है, दिमाग में आएगा आईफोन, तो यही है। ठीक है, नाम कहाँ से मिला उनको, इन कंपनियों का, वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। किन्हीं 9 कंपनियों के बारे में मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, उनका नाम उनको कहाँ से और कैसे मिला। ठीक है, और वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। वीडियो को पूरा देख के जाना, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, और वीडियो को लाइक भी कर जाना। वीडियो को आगे देखने से पहले अपने सच्चे दिल से कहो लेट्स क्वेश्चन इट। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहली कंपनी है वो है नाइकी। जी हाँ, नाइकी। तो अब बात करते हैं उस नाइकी को अपना नाम कहाँ से और कैसे मिला। ठीक है, तो देखो आप स्क्रीन पर इसके बारे में। इन ग्रीक मिथोलॉजी नाइकी इज द विंग्ड गॉडेस ऑफ विक्ट्री। द लोगो इज ड्राइव फ्रॉम गॉडेसिस विंग सूस विच सिम्बोलाइज द साउंड ऑफ स्पीड मूवमेंट पावर एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो क्या था ग्रीक मिथोलॉजी। ठीक है, ग्रीक क्या, एक लैंग्वेज थी ग्रीक, उसके अंदर क्या था गॉडेसिस भगवान। ठीक है, उनके विंग मतलब पंख, तो भगवानों के पहले पंख वंख, ठीक है, उसकी ठीक है होता है ना वो सब, तो वो क्या दर्शाता है स्पीड को, मूवमेंट को, पावर को और मोटिवेशन को। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने ये नाम लिया कि वो गॉडेसिस ऑफ विक्ट्री, वो भगवान मतलब विक्ट्री यानी विजेता, जीतते हैं वो। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने ये नाम रखा नाइकी। इसका मतलब है नाइकी, नाइकी का मतलब उस ग्रीक लैंग्वेज में ये था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये नाम रखा नाइकी, क्योंकि ये साउंड ऑफ स्पीड दिखाता है, मूवमेंट और पावर और मोटिवेशन को दिखाता है ये नाइकी, जो ये वर्ड है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारी सेकंड कंपनी के बारे में। जी हाँ, वो है कोको कोला। जी हाँ, कोको कोला। तो मैं आपको बताता हूँ उसका नाम उसको कैसे मिला, तो वो आप उसके बारे में स्क्रीन पर दे सकते हो। द टू मेन इन्ग्रीडियंट्स इन द प्रोडक्ट वर कोका लीव्स एंड कोला बेरीज। तो इस जो ये प्रोडक्ट है कोका कोला, ठीक है, ये ड्रिंक होता है जो, तो इसके अंदर दो मेन इन्ग्रीडियंट होते हैं कोका लीव्स एंड कोला बेरीज। ठीक है, तो कोका लीव्स का कोका और कोला बेरीज का कोला। तो लीव्स को हटा दो, बेरीज हटा दो, कोका कोला। ठीक है, यहाँ से आया कोका कोला ये नाम। जो कोका है वो लीव्स है और जो कोला है वो बेरीज है। ठीक है, थिंकिंग देयर द टू सीज वुड लुक वेल इन एडवर्टाइजिंग, प्रोड्यूसर डॉक्टर पेम्बर्स्टन पार्टनर सजेस्टेड द नेम और एंड पेंट द नाओ फेमस ट्रेडमार्क कोका कोला। ठीक है, जो ये दो सी हैं, एक कोका का सी, एक कोला का सी, कोका कोला। ठीक है, दोनों सी जब ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये नाम रखा कोका कोला। किसने रखा, डॉक्टर पेम्बर्स्टन। ठीक है, उन्होंने रखा ये नाम, और अब आप इसको जानते हैं उस कंपनी को। ठीक है, कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है ये कोका कोला, तो यहाँ से इसका नाम आया ये कोका कोला। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ। अब बात करते हैं हमारी थर्ड कंपनी के बारे में, वो है HP। जी हाँ, HP, जिसको आप जानते ही होंगे, आपने उसके प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करे होंगे। ठीक है, तो उसका नाम कहाँ से आया, यहाँ पर दो आदमी हैं, विलियम हैलेट एंड डेविड पैकर्ड। ठीक है, तो विलियम हैलेट, हैलेट का H, डेविड पैकर्ड, पैकर्ड का P, तो HP। ठीक है, फॉर्मुलाइज देयर पार्टनरशिप इन जनवरी 1939 एंड फाउंडेड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, तो इन दोनों ने पार्टनरशिप में, किसने, विलियम हैलेट ने और डेविड पैकर्ड, इन दोनों ने कंपनी खड़ी करी HP। ठीक है, 1939 में जनवरी में इनकी ये पार्टनरशिप हुई थी, पार्टनरशिप। ठीक है, और ये कंपनी इस दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक कंपनी है। ठीक है, और दे फ्लिप्ड अ कॉइन टू डिसाइड हूज नेम वुड कम फर्स्ट। और मजे की बात बताऊँ आपको, एक फैक्ट बताऊँ, इन्होंने एक सिक्का उछाला था। ठीक है, सिक्का हेड और टेल बोला था कि हेड आएगा या टेल आएगा, एक सिक्का उछाला था कॉइन। ठीक है, और जो जीतेगा उस टॉस को, वो उसका नाम पहले आएगा। ठीक है, इस कंपनी में, तो इन्होंने ये करा था। तो यहाँ पर सबसे, तो किसने जीता, ठीक है, टॉस किसने जीता, विलियम हैलेट ने, इसलिए एच पहले आता है और पी बाद में आता है। ठीक है, अगर उस दिन डेविड पैकर जीत जाते तो कंपनी के आगे पी पहले आता, एच बाद में आता। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट है, कोइंसिडेंट। ठीक है, ये मतलब, वरना इस कंपनी का नाम PHB हो सकता था। ठीक है, इस कंपनी का PH नाम भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, HP हुआ। ठीक है, क्योंकि
जो टॉस था वो जीता था विलियम हेलेट ने, तो यहाँ से आया इसका ये नाम HP। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ कंपनी के बारे में, वो है Amazon। जी हाँ, Amazon, जिसके CEO जेफ बेजोस इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। Amazon का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उसका नाम उसको कैसे मिला आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बारे में, CEO जेफ बेजोस वॉज बिल्डिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बुक स्टोर, ही वॉन्टेड टू नेम हिज कंपनी स्टार्टिंग विद ए। तो जो इस कंपनी के CEO हैं जेफ बेजोस, ठीक है, वो जिसको आप जानते होंगे, तो वो क्या करना चाहते थे, जो ये Amazon इस कंपनी को इस दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर बनाना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो पहले बुक सेल किया करते थे, ठीक है, और वो चाहते थे कंपनी का नाम ए से स्टार्ट हो, ठीक है, ए से। तो जब इस वर्ड पे आए वो Amazon पे, वन ही लैंडेड ऑन द वर्ड Amazon, द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑन द प्लेनेट, ही डिसाइडेड दैट वॉज द परफेक्ट नेम फॉर वट वुड बिकम अर्थ लार्जेस्ट बुक स्टोर। तो वो एक वर्ड पर जाकर रुके, ठीक है, वो सर्च करते रहे, तो उनको एक वर्ड मिला Amazon, जो कि क्या है, लार्जेस्ट रिवर ऑन द प्लेनेट, यानी अर्थ की सबसे बड़ी जो रिवर है वो है Amazon, ठीक है, उसका नाम। तो वो लार्जेस्ट रिवर और ये लार्जेस्ट बुक स्टोर, दोनों का नाम काफ़ी मैच करेगा, तो इसलिए यहाँ से उन्होंने ये नाम लिया Amazon, इसलिए उन्होंने ये नाम रखा Amazon की ये फिट हो जाएगा लार्जेस्ट बुक स्टोर के लिए, ठीक है। लेकिन अब तो Amazon काफ़ी और चीज़ें भी सेल करता है, ठीक है, बुक के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट को वो सेल करता है, तो यहाँ से मिला है Amazon को उसका नाम। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ। अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ कंपनी के बारे में, वो है Adidas। जी हाँ, Adidas। तो अब मैं आपको बताता हूँ Adidas को उसका नाम कहाँ से मिला इस बड़ी कंपनी को, ठीक है। तो Adidas इज एन एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ फाउंडर एडोल्फ एडी डैसलर। तो Adidas कहाँ से मिला, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं उनका नाम है एडोल्फ डैसलर, तो एडोल्फ उसको बना दिया एडी, ठीक है, ADI AD, और डैसलर का ले लिया डैश, एडी डैश, यहाँ से आया ये नाम उसके फाउंडर से, ठीक है। द डैसलर फैमिली बिगेन मैन्युफैक्चरिंग शूज आफ्टर वर्ल्ड वार वन। तो इसकी जो कंपनी थी डैसलर फैमिली वो शूज़ बनाने लगी, ठीक है, वर्ल्ड वार वन के बाद। एट द 1939 बर्लिन ओलंपिक्स द अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड स्टार जेसे ओवंस वोर शूज दैट वर रिपोर्टेडली अ गिफ्ट फ्रॉम एडी डैसलर, ठीक है। जो ओलंपिक्स हुए थे 1936 के बर्लिन में, उनमें जो मतलब जो कम्पीट कर रहे थे वहाँ पर जो स्टार थे, ठीक है, उन्होंने ये शूज़ पहने थे इनकी कंपनी के, ठीक है, तो उनको गिफ्ट करा था एडी डैसलर ने अपनी कंपनी की तरफ से, उन्होंने गिफ्ट करा था, ठीक है। तो कहाँ से मिला इसका नाम एडी डास, कहाँ से मिला, एडोल्फ डैसलर जो इस कंपनी के फाउंडर थे, फाउंडर वहाँ से उसका नाम मिला। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ। अब बात करते हैं हमारी सिक्स्थ कंपनी के बारे में, वो है स्टारबक्स कॉफ़ी। जी हाँ, स्टारबक्स कॉफ़ी, उसको अपना नाम कहाँ से मिला, तो वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप स्क्रीन पर इसके बारे में देख सकते हो। ओरिजिनली द नेम पिकोड वॉज सजेस्टेड द नेम ऑफ द शिप फ्रॉम द नोवल मोबी डिक। तो सबसे पहले इस कंपनी का जो नाम था वो रखा गया था पिकोड, जो कि कहाँ से आया था, एक नोवल थी जिसका नाम है मोबी डिक, उसमें एक शिप था, ठीक है, एक शिप का नाम था ये, वहाँ से लिया ये नाम, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लगा उनको, ठीक है। वेन इट गोट रिजेक्टेड द सेटल्ड फॉर स्टारबक द चीफ मेट ऑफ द वेरी शिप, ठीक है। तो उस शिप में एक आदमी था, उसका जो चीफ था उसका नाम था स्टारबक, तो यहाँ से लिया ये नाम, ठीक है, उस शिप का एक चीफ था स्टारबक, वहाँ से लिया ये नाम स्टारबक कॉफ़ी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ। अब बात करते हैं हमारी सेवंथ कंपनी के बारे में, वो है वोडाफोन। जी हाँ, वोडाफोन, इसकी सिम आप यूज़ करते होंगे अगर आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, ये एक इंडियन कंपनी है वोडाफोन। तो इसको इसका नाम कहाँ से मिला, तो आप स्क्रीन पर इसके बारे में देख सकते हो, ठीक है। वोडाफोन वॉज चूजन एज द नेम ऑफ द नेटवर्क टू रिफ्लेक्ट द प्रोविजन ऑफ वॉइस एंड डेटा सर्विस। तो इसका नाम इसलिए लेगा क्योंकि ये क्या दिखाता है, वॉइस डेटा और सर्विस दिखाता है, ठीक है, ऐसी चीज़ दिखाता है ये। और आगे देखो, इट स्टैंड्स फॉर वॉइस डेटा एंड टेलीफोन, ठीक है। तो ये किसके लिए स्टैंड करता है, वॉइस डेटा एंड टेलीफोन, वॉइस का VO, डेटा का DA और टेलीफोन का फ़ोन, तो वोडाफोन, ठीक है, बन गया वोडाफोन। तो यहाँ से आया इसका ये नाम वोडाफोन। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ। अब बात करते हैं हमारी एट्थ कंपनी के बारे में, वो है माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, उसको उसका नाम कहाँ से मिला, तो वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप स्क्रीन पर इसके बारे में देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड्स माइक्रो कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर।
तो माइक्रो कंप्यूटर का माइक्रो और सॉफ्टवेयर का सॉफ्ट, क्या बन गया, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इन द कंपनी अर्ली डेज हाउएवर गेट्स इंक्लूडेड अ हाइफन इन द माइक्रोसॉफ्ट नेम रेफर्ड टू एज माइक्रोसॉफ्ट। तो पहले दिनों में जब ये कंपनी शुरू करी थी, पहले क्या होता था, जो बिल गेट्स है उन्होंने क्या नाम रखा इसका, माइक्रोसॉफ्ट रखा, लेकिन माइक्रो और सॉफ्ट के बीच में एक हाइफन लगा दिया, एक माइनस का जो होता है ना स्लैश सा हाइफन, वो लगा दिया। ठीक है, लेकिन आगे जाके वो अपडेट कर दिया, आगे जाके उसको हटा दिया गया, फिर वो बन गया माइक्रोसॉफ्ट बिना हाइफन के। ठीक है, हाइफन नहीं था फिर आगे। तो ये था इस कंपनी के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कंपनी की और लास्ट कंपनी की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी लास्ट कंपनी और नाइन्थ कंपनी के बारे में, वो है रोलेक्स। ठीक है, तो रोलेक्स को उसका नाम कहाँ से और कैसे मिला वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर इसके बारे में देख सकते हो। हंस विल्डॉर्फ द फाउंडर ऑफ रोलेक्स रिपोर्टेडली वॉन्टेड अ ब्रांड नेम दैट कुड बी रिमेम्बर इन एनी लैंग्वेज। तो इस कंपनी के जो फाउंडर हैं हंस विल्डॉर्फ, वो क्या चाहते थे, वो यह चाहते थे कि जो मैं ऐसी कंपनी का नाम रखूँ कि वो किसी भी लैंग्वेज में, मतलब रिमेम्बर यानी इसको याद किया जा सके। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में इसको हम याद कर सकें। ही सेड आई ट्राइड कॉम्बिनेशन द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन एवरी पॉसिबल वे। तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं बीसीडी, ठीक है, उनमें उन्होंने हर पॉसिबल वे में उनको चेक करके देखा। ठीक है, बहुत सारे ट्राई करें नाम। दिस गेव मी सम 100 नेम्स। तो उन्होंने 100 से भी ज़्यादा नेम मिल गए थे। ठीक है, बट नन ऑफ देम फेल्ट क्वाइट राइट। लेकिन उनमें से कोई भी ढंग का नाम नहीं था। ठीक है, वन मॉर्निंग वाइल राइडिंग ऑन द अपर डेक ऑफ होस्ट ड्रोन ओमनिबस अलोंग चीज फैट इन द सिटी ऑफ लंडन अ जिनी विस्पर्ड रोलेक्स इन माई ईयर। तो एक बार वो पता नहीं क्या कुछ पढ़ रहे थे, ठीक है, कुछ पढ़ाई कर रहे थे मतलब, तो उन्होंने एक इमेज देखी, ठीक है, जिसमें घोड़ा वोड़ा होता, पता नहीं कहीं कुछ सब कुछ होता है। ठीक है, तो वो कान में करता है, पता नहीं कुछ होता है कान में, बोलता है रोलेक्स। ठीक है, रोलेक्स ऐसा बोला, रोलेक्स। तो इसलिए इन्होंने अपना नाम रखा कंपनी का रोलेक्स। ठीक है, तो ये थी कुछ कंपनी जिनके बारे में हमने जाना इस वीडियो में, उनको उनका नाम कहाँ से और कैसे मिला। और इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो आप इंटरनेट या फिर गूगल पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जाना हाउ डिड सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स गेट देयर नेम्स, यानी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ठीक है, वोडाफोन हो गई, रोलेक्स हो गई, स्टारबक्स कॉफ़ी हो गई, उनको अपना नाम कहाँ से और कैसे मिला वो हमने जाना इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, ठीक है, हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और मैं मिलूँगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेट्स क्वेश्चन इट।